हेलो बच्चों, मैं नमन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। हम एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें हम एच सी वर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम सेकेंड चैप्टर में आ चुके हैं, उसका थर्ड लेक्चर है। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चालू करने के पहले आपको वैक्टर्स को रेजोल्यूशन करना आना चाहिए, मतलब वैक्टर्स को तोड़ना आना चाहिए एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में। ठीक है, तो पहले आपको ये सिखाते हैं कैसे करते हैं, देन हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट इट बी आपका कोई वैक्टर है ए वैक्टर। ठीक है, आपको उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में उसको आपको ब्रेक करना है। तो जिसके साथ एंगल थीटा रहता है तो आपको क्या देना है उसको, ए कॉस थीटा, और इसके अपोजिट वाले साइड को देना है आपको ए साइन थीटा। ये एक पहला केस हो गया। सेकेंड केस समझो, अगर वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, फिर आपको एक इधर तोड़ना है और एक यहाँ तोड़ना है। तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनना चाहिए, थीटा बनना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट कैसे बनेगा, ए कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ए साइन थीटा बनेगा। अच्छा, लेट इट बी समझ लो, अगर ये ऐसा कुछ कंपोनेंट है, ऐसा कुछ वेक्टर है, तो क्या बनेगा, आपको पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में कंपोनेंट तोड़ना है। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो समझो क्या करोगे। सबसे पहले आप ये लोग, एंगल कितना होगा 180, टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों 180 प्लस थीटा, टोटल एंगल कितना आ गया 180 प्लस थीटा। तो ये ए वेक्टर कैसे टूटेगा, ए कॉस 180 प्लस थीटा पॉजिटिव एक्स में, और पॉजिटिव वाई में ए साइन 180 प्लस थीटा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अगर ये बन गया है तो चीजें बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बताते कैसे होगा, इसको हटा देते हैं अपन, इसका कोई काम नहीं है। अब ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहा है, कि ए ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 सारे क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं। ये सब वेक्टर के फॉर्म में है। हमको पता है साइक्लिक में एक वेक्टर क्या हो जाता है, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात को यूज करने के लिए बोला है। क्या बोला है, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर इज जीरो। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, कॉस जीरो प्लस कॉस पाई बाय थ्री, कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस 3 पाई बाय 3, कॉस 4 पाई बाय 3, कॉस 5 पाई बाय 3 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए जब आप सबको ऐड करते हो। अब जिसको ये पाई बाय 2 पाई बाय 3 नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, 180 को पाई रेडियन बोलते हैं, 90 को पाई बाय 2 रेडियन बोलेंगे, 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोलेंगे, और 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोलेंगे। देखो ये दो को याद कर लो, सब काम हो जाएगा। 60 में 6 आ गया तो यहाँ 3 लगाना, 30 में 3 आ गया तो यहाँ पे 6 लगा देना। अब काम एकदम आसान हो गया। आपसे बोलेंगे 120 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करो, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 120 मतलब 60 का 2 टाइम्स, तुरंत पकड़ो इसको, इसको दोगुना कर दो, 2π/3। आपसे बोलेंगे 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 300 बोले तो 6 16 × 5 टाइम्स, 16 × 5 टाइम्स, तो पाई बाय 3 का 5 टाइम्स कर दो तुरंत। आपको अगर 150 डिग्री बोले तो 30 डिग्री का 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। तो आप यहां से तुरंत निकाल सकते हो। समझ में आ गया सबको, एकदम आसान है। इसको भी हटा देते हैं फटाक से। ठीक है, अब करना क्या है, ये देखो कंपोनेंट तोड़ना है, कंपोनेंट में तोड़ना है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और डायग्राम बहुत बड़ा चाहिए अपन को। चलो देखो क्या करना है, अपन को समझो, आपका वेक्टर्स दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है A1 वेक्टर। A1 वेक्टर को जरा देखो और बताओ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में ना बच्चों, सिर्फ हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हम वाई कोऑर्डिनेट पे काम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो क्या बनेगा बच्चों, देख के बताओ, A1 cos 0 डिग्री। ठीक है, चलो A2 को देखो, ये A2 वेक्टर है, A2 पॉजिटिव एक्स के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये डायरेक्शन में क्या आएगा, A2 cos 60 डिग्री। दो मिल गए, क्या क्या मिले एक्स कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट में क्या क्या मिला है, A1 cos 0 डिग्री, इसका क्या मिला है, A2 cos 60 डिग्री। चलो A3 का देखते हैं, ये A3 वेक्टर है हमारा, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करो, ये कितना है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो, देखो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। टोटल कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री हो गया। तो 120 कैसे बोलोगे, A3 cos 120 डिग्री। तीसरा कंपोनेंट क्या मिला एक्स में, A3 cos 120 डिग्री। देखो पैटर्न दिख गया होगा आप लोग को, शायद
कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न नहीं दिखा तो A3 भी हो गया। A4 को देखो, A4 यहाँ जा रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है 180, तो ये क्या बन जाएगा A4 cos 180 डिग्री। तो क्या मिला चौथा, A4 cos 180 डिग्री। A5 को देखो बच्चों, A5 जा रहा है या नीचे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो, ये कितना हो जाएगा 180। ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, अरे हेक्सागोन है ना, ठीक है, इसलिए 60 डिग्री है। तो देखो ये टोटल कितना हो गया 180 प्लस 60 कितना होता है 240। 240 में अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो क्या आ जाएगा A5 cos 240, लिख दें A5 cos 240 डिग्री। चलो A6 का देखो, यहाँ आगे बढ़ा दिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, एंगल बनाओ, ये कितना एंगल बना 180। देखो ये 60 है तो ये वाला भी आपका 60 होगा। अब इससे लाइन आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं एक साइड को और ये साइड के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 60 300, तो ये वाला जो है ये 300 एंगल पे, ये टोटल जो एंगल है ना ये 300 है। तो यहाँ एंगल टूटेगा, यहाँ पे कैसे टूटेगा, A6 cos 300, ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट मिल गया A6 cos 300 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिला अपन को, 6 वेक्टर को हमने एक्स कंपोनेंट में तोड़ लिया गया है, ठीक है। चलो इसको सबको प्लस कर दें फटाक से, क्या क्या है देखो, A1 cos 0 प्लस A2 cos 60 प्लस A3 cos 120 प्लस A4 cos 180 प्लस A5 cos 240 प्लस A6 cos 300 इज इक्वल टू, इन सब का रिजल्टेंट बाई चांस बोल दो आ रहा है Z, तो Z का ये X कंपोनेंट हुआ, समझ में आया। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बच्चों, कि जो जो आपका Z है ये आपका क्या होगा, जीरो होगा, मैग्नीट्यूड टोटल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए Z का X बोलो या Z का Y कंपोनेंट बोलो, सब क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों किसी को, नहीं है। देखो एक चीज और, यहाँ से A1, A2, A3, A4 सब का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन बोला है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 सब क्या होंगे, A के बराबर होंगे। यहाँ से आप चाहो तो सबको कॉमन ले लोगे, सबको कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, cos 0 प्लस, ये तो बाहर आ गया, ठीक है, cos 60, 60 मतलब पाई बाय 3 प्लस cos 120, cos 120 मतलब cos 2 पाई बाय 3 प्लस A4 बाहर हो गया, cos 180 मतलब 3 पाई बाय 3 प्लस, समझ में आ गया होगा क्या किए हैं, 4 पाई बाय 3 प्लस cos 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। A इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा वेक्टर का खेल है, इमेजिनेशन का खेल है, इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स लगी है, बन जाएगा, प्रैक्टिस करोगे इजी है, बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपन को। चलो पेन चेंज करते हैं, बहुत देर से एक पेन से लिख लिए, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। जब भी आपको इस वेक्टर फॉर्म में देता है तो मत दिमाग लगाना, सीधा जंप कर देना डॉट प्रोडक्ट में। जब भी एंगल की बात करे, जब भी 90 डिग्री की बात करे, तो क्या जाना है अपन को, कहाँ जाना है अपन को, डॉट प्रोडक्ट में, और कहीं नहीं जाना, ठीक है। चलो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबको पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी लगा दे, ए डॉट बी 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, 3i प्लस 4j प्लस 5k के साथ इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, अरे यहाँ निकाल देते हैं ए का मैग्नीट्यूड फटाक से, रूट ओवर, मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों सबको आता होगा यार, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का उसको। वैसे बी का मैग्नीट्यूड देखो क्या निकलने वाला है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, चलो निकालते हैं फटाक से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, इसमें देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, चलो कैलकुलेट कर दो, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 9 29 रूट, तो यहाँ लगा दो 29 रूट। यहाँ देखो
16, 9, 25, 25, 25, 50, तो ये हो गया रूट 50 और ये क्या हो गया कॉस थीटा। अच्छा डॉट करना आता है ना, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करो और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, के वाले को के से मल्टीप्लाई करो और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, इज इक्वल टू रूट 29 इंटू 50 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 20, 30, 36, 38 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू 50, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा और आगे एक्सटेंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू 50, ये आपका एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर्स आ गया। ठीक है आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला ये क्वेश्चन में, ए वेक्टर है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं पहले। ठीक है क्या बोलता है आपका 14 वाले में, चलो पेन चेंज करते हैं हम। क्या बोला ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा आप लोग को एक बात बता देते हैं, अगर कोई वेक्टर है ये ए और कोई वेक्टर जा रहा है ये आपका बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, अगर मैं करता हूँ ए क्रॉस बी, पता होना चाहिए ए क्रॉस बी का मतलब होता है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ताकि रिजल्टेंट भी वेक्टर होना चाहिए, तो ये हमेशा जो इसका डायरेक्शन आएगा ये परपेंडिकुलर होगा बोथ द वेक्टर्स, ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है तो जो ए क्रॉस बी आएगा ये परपेंडिकुलर होगा, अब चलो एक ए क्रॉस बी को आप एक नया वेक्टर बोल दो जेड वेक्टर। ठीक है अब ये जो जेड वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा ए से बी और ये परपेंडिकुलर होगा बी से बी। ठीक है अच्छा ए से परपेंडिकुलर हो गया तो मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया जल्दी बताओ बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट ये अब बताओ कितना होगा, ए जेड कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो आंसर जीरो हो जाएगा। आसान है एकदम इजी है, बन गया समझ आ गया सबको, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा अपन को मिटालना पड़ेगा, चलो ये मिटाल देते हैं इसको फट से। क्वेश्चन नंबर 15 पैटर्न क्या बोलता है, दो वेक्टर दिया हुआ है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, ए क्रॉस बी करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का आपको एक तरीका सिखा दिया जाएगा, कैसे करना है देखो, यहाँ आई लिखना, यहाँ जे लिखना, यहाँ के लिखना, पहले ए को लिखना, ए के सारे कोफिशियंट्स को लिख लेना, आई का कोफिशियंट 2, जे का कोफिशियंट 3, के का कोफिशियंट 4, देन बी का, अगर बी क्रॉस ए बोलेगा तो बी पहले लिखना ऊपर, ठीक है बी क्रॉस ए बोलेगा तो बी को ऊपर लिख लेना, ठीक है बी के कोफिशियंट्स को ऊपर लिख लेना, 4, 3, 2, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है फिर क्या करना, ए क्रॉस बी है, ठीक है तो ये एक ब्रैकेट बनाना, यहाँ लगाना आई कैप, फिर माइनस लिखना, एक ब्रैकेट लगाना, यहाँ लिखना जे कैप, फिर प्लस लिखना, एक ब्रैकेट लगाना और फिर यहाँ लिखना के कैप, इतना कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है सर, जब आप ए के सामने वाले ब्रैकेट को भरोगे तो ए का ये कॉलम और ए की ये रो दोनों को क्या कर देना है, अपन को भूल जाना है, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस लगा देना, तो 3 × 2 लिख देता हूँ, 3 × 2 − 3 × 4, देखो 3 × 2 किया, फिर माइनस, इधर माइनस लगाया और 3 × 4 कर दिया, समझ में आ गया कैसे किया अपन। फिर सेम क्या करना है आपको, थोड़ा सा मिटा देते हैं यार इसको, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आप लोग को। ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट देखो अब क्या करना है, जे वाले के रो को और जे वाले के रो और ये कॉलम को दोनों को क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है फिर से सेम कहानी, 2 × 2 − 4 × 4 लगा दे फटाक से, 2 × 2 − 4 × 4, चलो के वाले का मैं नहीं बताता, के वाले का खुद बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, 2 × 3 −
फोर इंटू थ्री, सब बता दिए होंगे मेरे को जितना लगता है। चलो कर दें, थ्री इंटू टू सिक्स माइनस ट्वेल्व आई कैप, फोर माइनस सिक्सटीन जे कैप, प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व के कैप। तो छः में से बारह जाएगा, माइनस छः बचेगा, चार में से सोलह जाएगा, बारह बचेगा पर प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी माइनस है, फिर माइनस सिक्स के कैप। अच्छा ये कैप वैप लगा लेना यार, ठीक है मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी। ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड, क्या है ए क्रॉस बी, समझ में आ गया। देखो वेक्टर फॉर्म में ही आंसर आया आपका, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर फॉर्म में आंसर आता है, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मैग्नीट्यूड आएगा बस, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा इधर हो गए हैं क्या अपन। क्या बोलता है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट। चलो क्या बोलता है बना लेते हैं, एक सेकेंड रुको। चलो ऐसे ही समझ लो, एक वेक्टर है यहां ए बोल लो, एक वेक्टर है यहां बी बोल लो, एक वेक्टर है यहां सी वेक्टर बोल लो। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड ले लेते हैं यार, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर क्या बोलता है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो दैट ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ बोल रहा है अपन को, ठीक है। क्या समझना है, देखो जब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मतलब जो इन दोनों को क्रॉस करने के बाद बोल दो जेड वेक्टर निकल रहा है, तो जो जेड वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, और जेड वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू बी बी होगा, मतलब इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर होगा तो या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे जाएगा, दोनों में से एक ही हो सकता है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा अब दोनों ही कंडीशन में देखो बच्चों, जो सी वेक्टर के साथ जो ये मेरा जेड वेक्टर बनेगा या तो पैरेलल बनने वाला है या तो एंटी पैरेलल बनने वाला है, ठीक है, या तो थीटा जीरो डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो देखो सी वेक्टर क्रॉस जो जेड वेक्टर में करने वाला हूं, सी जेड साइन थीटा एन कैप, थीटा में या तो जीरो आएगा या तो 180 आएगा, और शायद आप लोगों को पता होगा जीरो और 180 दोनों केस में साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है ना, साइन थीटा जीरो होगा दोनों ही केस में, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, जीरो होगा, बस यही था जो था, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन इस टाइप के, बस आपकी जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज है उसको एनहेंस करते जाओ, सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट आने पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों।